Welcome in this session. Today we will discuss about two new input devices. One is a digitizer and another is barcode reader. Barcode reader और digitizer जो है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं. तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्लाइड के थ्रू शो सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं. तो फर्स्ट में एक जो है फर्स्ट हम लेके चलेंगे डिजिटाइजर को कि डिजिटाइजर जो है कैसे वर्क करता. डिजिटाइजर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिजिटाइजर है क्या चीज. डिजिटाइजर जो है एक इनपुट यूनिट है और इसका काम जो है कंप्यूटर को ग्राफिकल डेटा फीड करना है. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डिजिटाइजिंग टैबलेट और दूसरा स्टाइलस. डिजिटाइजिंग टैबलेट बिल्कुल देखने में ऐसा होता है जैसे माउस पैड. हम जो भी डिजिटाइजर टेबल पर लिखते हैं वो कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड कर दिया जाता है और लिखने का काम हमारा स्टाइलस है, स्टाइलस के थ्रू होता है. यानी हम कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषा में यह एक कंप्यूटर को जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं तो डिजिटाइजिंग टैबलेट एक कॉपी की तरह काम करेगा और स्टाइलस एक पेन की तरह करेगा. और बेसिक एस्पेक्ट जो डिजिटाइजिंग टेबल का है कि इसमें बहुत फाइन हंड्रेड्स ऑफ कॉपर वायर्स होते हैं जो एक ग्रिड बनाते हैं और ये ग्रिड जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर में लगातार भेजता रहता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो स्टाइलस है वो डिजिटाइजिंग टैबलेट पर किस जगह पर इस समय अवेलेबल है. तो डिजिटाइजिंग टैबलेट इज अ फ्लैट सरफेस विच कंटेन हंड्रेड्स ऑफ फाइन कॉपर वायर्स फॉर्मिंग ए ग्रिड. ईच कॉपर वायर रिसीव इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस और उन पल्सेस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा यूजर्स है वो क्या ड्रॉ करना चाहता है. डिजिटाइजिंग टैबलेट बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें कोई डायग्राम बनाना हो, कोई मैप बनाना हो या हमें जो कोई ऐसा आर्किटेक्चर बनाना हो जिसको हमने इजिली जो है जिसको हम एक कॉपी जैसी सरफेस पे इजिली हम ड्रा कर सके. यानी इंजीनियरिंग में डिजिटाइजर का बहुत ज़्यादा यूज है. इसके बाद जो हम बात करते हैं अब स्टाइलस की, स्टाइलस का वर्क क्या होता है, कैसे ये काम करता है. तो स्टाइलस जो है हमारा एक पेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा एक क्रॉस हेयर दिखाई देता है और इसमें कुछ बटन्स भी होते हैं. द स्टाइलस इज अ पेन लाइक कर्सर विद अ क्रॉस हेयर एंड बटन्स. स्टाइलस इज कनेक्टेड टू टैबलेट एंड कैन बी प्रेस डाउन एट ए पॉइंट ऑन द टैबलेट टू इनपुट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. जहाँ पे भी हमारा इस समय जो टैबलेट है उसकी करंट जो लोकेशन है अगर उसको हमें भेजना है, हमारा स्टाइलस दिखता है हमें सामने की हमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन है जो हमारी टैबलेट पे है और उसकी लोकेशन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें सिस्टम में भेजना है तो वहाँ पर आप जो है सिंपल स्टाइलस से क्लिक कर देते हैं तो वहाँ के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंच जाते हैं. व्हेन स्टाइलस इज मूव ऑन द टैबलेट कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन मूव साइमल्टेनियसली. जिस समय हम स्टाइलस यूज करते हैं तो एक कर्सर भी दिखाई देगा हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जैसे जैसे हम स्टाइलस को मूव करते हैं वैसे वैसे वो कर्सर जो है स्क्रीन पर मूव होता है और पिक्चर को ड्रा करता है. हम इसकी एक छोटी सिंपल सी पिक्चर देखते हैं. ये हमारा टैबलेट है और ये हमारा स्टाइलस है. पेन लाइक सर डिवाइसेज स्टाइलस है और ये जो फ्लैट सरफेसेस है ये आपका टैबलेट्स है. फ्लैट सरफेस इसमें कुछ बटन्स भी होते हैं जिनके हेल्प से हम जो है क्लिकिंग और ड्रैगिंग का वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारी सेकंड इनपुट डिवाइस है जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं. बारकोड रीडर क्या है कि लाइन हम कुछ ड्रा करते हैं. काफ़ी सारे प्रोडक्ट के पीछे भी आपने देखा होगी कुछ लाइनें दिखाई देती हैं और उन पर नंबर्स और डिजिट लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं बार कोड. और हमारा जो डेटा होगा बार कोड्स में वो सिंपल लाइन की फॉर्म में कोडेड होगा. यानी डेटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइंस आर नोन एज बार कोड्स. बार कोड रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक डेटा बाई ए कम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस बाई वेरिंग देयर विड्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन देम. हमारे पास जो है
जब हम बार कोड को देखते हैं तो उसमें काफी सारी लाइनें हमें दिखाई देती हैं, उन लाइनों में कुछ लाइनें ठीक हैं और कुछ थिन हैं, यानी कुछ हमारी पतली लाइनें हैं, कुछ हमारी लाइन मोटी हैं, और उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो भी वेरी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस हैं। ये जो स्पेसेस का डिफरेंस है और साइज का जो डिफरेंस है, ये एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। बार कोड रिप्रेजेंट अल्फान्यूमेरिक डेटा बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेसेंट वर्टिकल लाइन बाई वनिंग देयर विड्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन देम। दे आर पर्टिकुलरली यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड बुक्स। जिसमें जब हम प्रोडक्ट को इसको स्कैन करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है वो 10 बिट्स का डेटा होता है, और उसमें से जो 5 शुरू वाले बिट्स हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है उसके बारे में जानकारी, और बची हुई जो 5 कोड हैं वो बताएंगे उस प्रोडक्ट की जानकारी। बार कोड को अगर रीड करना है तो जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उसको बार कोड रीडर बोलते हैं। इसका एक छोटा सा मैं डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो हाथ में लिया हुआ ये बार कोड रीडर है, और ये बार्स हैं, आप देख सकते हैं इनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, और हमारा जो नंबर्स है वो लाइंस के अकॉर्डिंगली डिफर करता है। कुछ लाइनें हमारी मोटी हैं, कुछ पतली हैं, और स्पेसिंग भी डिफरेंट है। तो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। आज जो हमें यही डिस्कस करना था, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और दूसरी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।